सर आप काफ़ी देर रुके, आपने काफ़ी बच्चों को बॉलिंग करते देखा, काफ़ी युवा क्रिकेटर उसमें बनना चाह रहे हैं, आपके जैसे बनना चाह रहे हैं, आपको लगता है ऐसे कैंप कितने ज़रूरी हैं सर? सबसे पहले जो खुशी की बात यह है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को ये जो ऐसी अकेडमीज़ को रन करते हैं, एंड उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जिस तरह जी फोर्स अकेडमी है, यहाँ पे सारे अच्छे क्रिकेटर्स आते हैं, और ये जो मैंने आज बच्चों के साथ आके टाइम गुजारा है तो ये एक हमारा पैशन है, जो हमें क्रिकेट अल्लाह ने हमें क्रिकेट से मिला है, हम वो चाहते हैं कि वो इंडल्ज करें इन लड़कों के अंदर, इन बच्चों के अंदर, ताकि ये जब भी बड़े हों तो उसमें से कुछ क्रिकेटर्स बने, कुछ स्पोर्ट्समैन बने और हेल्दी एक्टिविटीज़ को लेके चलें, तो दिस एकेडमी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या मानना है कि इसमें सबसे खास बेसिक क्या होना चाहिए सर? पहले तो टू बिकम अ वेरी गुड स्पिनर आपको स्पिन करना पड़ेगा, स्पिन होना चाहिए आपके हाथ में, और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपका एक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका रिपीटेबल एक्शन अच्छा होना चाहिए, ये कोचेज जो हैं कोचेज आपके जो एक्शन को निखार देते हैं और आपको फिर वो टेक्निक बताते हैं, वो टैक्टिक्स बताते हैं, वो टैक्टिकल चीज़ें बताते हैं, जिसकी वजह से स्पिनर फिर बड़े जाके मैचों में जाके उसको पता चलता है कि हमने क्रीज कैसे यूज़ करनी है, हमें विकेट लेने का तरीका कैसे आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप फिर बेसिक्स जब शुरू में सिखा देते हैं बच्चे को तो फिर उसको बड़े मुकाबलों में जाके बड़ा होकर ये चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती। आज के टाइम पर आपके मुताबिक सबसे बेस्ट स्पिनर कौन है सर वर्ल्ड में? इस वक्त जो स्टैट्स वाइज हैं वो यासिर शाह, उसके 12 टेस्ट मैचों में उसने कोई मेरा ख्याल अबाउट 70 odd 80 आउट आउट किए हैं और इज सिटिंग नंबर 2 पोजीशन। और भी स्पिनर्स अच्छे हैं, अश्वन बहुत अच्छे स्पिनर हैं, वो विकेट ले रहे हैं आजकल। स्पिनर्स का मुकाबला आजकल बड़ा अच्छा जा रही है, तो मोस्टली ये स्पिनर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप जी फोर्स अकेडमी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अप्रिशिएट करना चाहेंगे? नहीं, मैं बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे जी फोर्स अकेडमी में आके सेटअप देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है, कोचेज के स्टाइल को देख के बड़ा अच्छा लगा और जितने कोचेज के वर्क एथिक्स हैं यहाँ के वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। और ये अच्छी सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चों में टैलेंट नहीं भी है तो उनको ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़रूर करवानी चाहिए, और यहाँ पे मैंने देखा बड़े स्पिनर्स ऐसे बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियली टैलेंट है, अगर वहाँ पे उनको उन पर फोकस किया जाए तो दे कैन बिकम अ वेरी गुड क्रिकेटर्स ऑल्सो। सो आई थिंक ये बड़ी अच्छी जी फोर्स अकेडमी की जो काविश है और जो मेहनत है, तो अभी रिसेंटली जो इन्होंने एफर्ट कर रहे हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स को बुला के, बड़े बड़े कोचेस को बुला के अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो मैसेज यही है कि आप बस इनके ऊपर फोकस करें और अपना पैशन ना छोड़ें, बिकॉज जो हमें क्रिकेट से मिला है अल्लाह के फजल करम से वो अब हमारा टाइम है कि ये बच्चों के अंदर इंडल्ज करें और यहाँ पे ऐसे एकेडमीज़ में आके काम करने का बड़ा मज़ा आता है।